हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। हमारा जो सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज चल रहा था, दो पेपर कंप्लीट हो चुके, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोग का। नेक्स्ट टेस्ट पेपर रहेगा आपका टेस्ट नंबर 3, जो कि रहेगा आपका ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय, जो आपको नेक्स्ट वीक के आपके ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको मिल जाएगा। उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, आपका ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय वाले चैप्टर को थोड़ा पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके दिसंबर माह, दिसंबर 2018 के करेंट अफेयर पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित और क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उसको हम थोड़ा देखेंगे, जो अभी विभागों का बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़ में उस पर चर्चा करेंगे, कुछ नियुक्तियां निधन इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जिसके रिजल्ट हाल ही में पूरे संपन्न हो गए, कंप्लीट हो गया है, तो देखिए उससे क्या प्रश्न पूछ सकता है। अभी जो नई सरकार बन करके आई है, उसमें जो सरकार काम करेगी वो कार्य करेगी आपके पांचवें विधानसभा के लिए। याद रखिएगा, अभी जो नया सरकार बना है उस गठित सरकार जो आपके पांचवें विधानसभा के लिए कार्य करेगी, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पांचवें, अभी वर्तमान में पांचवें विधानसभा का गठन हुआ है, ठीक। नेक्स्ट मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनकर सामने आए हैं आपके भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए, यदि इनका हम क्रम देखें तो कार्यकाल के आधार पर यह प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री है, कार्यकाल के आधार पर देखे जाने, जैसे देखिए ये कौन सी विधानसभा है, पांचवी विधानसभा है, पांचवी विधानसभा, तो इस पांचवें विधानसभा में यदि इनका कार्यकाल देखे तो पहले थे आपके अजीत जोगी जी, फिर कंटिन्यू 3 साल थे आपके डॉक्टर रमन सिंह, फिर उसके बाद अभी ये पांचवें नंबर पर, कार्यकाल के आधार पर पांचवें, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर ये है तीसरे नंबर के, ये है छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री व्यक्तिगत आधार पर। पहले नंबर पर अजीत जोगी, सेकेंड डॉक्टर रमन सिंह, और ये तीसरे है आपके भूपेश बघेल जी, ठीक। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इन द सेंस आपके जो मंत्रियों के मध्य जो विभागों का बंटवारा होता है, तो टोटल 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत टोटल 12 मंत्री से मिलकर के छत्तीसगढ़ का कैबिनेट बना है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है, 12, ठीक। ये तो थे आपके बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन, लेकिन इससे संबंधित भी कुछ ऐसे है प्रश्न है जो आपसे एग्जाम पूछ सकता है। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, हो सकता है पूछ भी दे, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या है, अब पीएससी और व्यापम का लेवल तो काफी ऊपर उठ चुका है। तो देखिए, ये तो थे आपके बेसिक करंट, लेकिन इससे ये आपको यदि प्रश्न पूछना हुआ तो आपको ये जनरल स्टडी वाले पोर्शन से पूछेगा, जैसे विधानसभा, विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री से संबंधित तथ्य आपको ये सारे चीजें पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, हम थोड़ा जनरल स्टडी वाले पोर्शन को भी कवर करते हुए चलते हैं। जैसे कि ये देखिए, संविधान का अनुच्छेद 170, संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के निचले सदन में, जो प्रत्येक राज्य का जो निचला सदन है उसको कहा जाएगा आपका विधानसभा। देखिए ये कौन सा है आपका अनुच्छेद 170, इससे पहले थोड़ा एक दो अनुच्छेद पे और गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 168 यानी 168, उसमें यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो कि राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होगा। इसे याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होगा, अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 मीन्स 169 में विधान परिषद का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 170 में आपका विधानसभा का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य के निचले सदन को विधानसभा कहा जाएगा, याद रखिएगा, 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद और 170 आपका है विधानसभा। तीनों आर्टिकल याद रखिएगा, विधानमंडल पूछ रहा है कि आपसे विधान परिषद पूछ रहा है कि विधानसभा पूछ रहा है, ये विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से नीचे ऑप्शन देख करके अनुच्छेद वाला आंसर को लगाइएगा, 168, 169 और 170, ठीक। नेक्स्ट
अब जैसे मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं आपके भूपेश बघेल जी, तो अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसमें भी देखिए, इसमें दो आर्टिकल याद रखिएगा, 163 अनुच्छेद 163 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए तथा उन्हें परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा है अनुच्छेद 164, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 163 की। अनुच्छेद 163 और 164 दोनों कंफ्यूजिंग रहता है। देखिए, अनुच्छेद 163 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ठीक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 164 में है कि प्रत्येक राज्य में जो आपके बहुमत दल, जो बहुमत प्राप्त दल है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के नेता को जो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। इसके साथ साथ जो अन्य मंत्री, मंत्रिपरिषद यानी यही कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसमें है? अनुच्छेद 164 में। 63 में केवल डेफिनेशन दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में इनकी नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। नियुक्ति अगर आपने कहीं भी प्रश्न में देखा तो उसमें नियुक्ति देख करके आप अनुच्छेद 164 लगाइएगा, ठीक। एक बार फिर से बता देता हूँ, अनुच्छेद 163, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए तथा उन्हें परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी तथा उसका प्रमुख या मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164, बहुमत प्राप्त नेता को जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा तथा परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164, ठीक। दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल जो है अभी आनंदीबेन पटेल है, जो कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जो आनंदीबेन पटेल है ये अभी वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश की यह राज्यपाल है, लेकिन इसी वर्ष हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो आपके राज्यपाल थे बलराम दास जी टंडन, जिनका निधन हो गया, उसके पश्चात आपके मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्हें छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक। छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, मध्य प्रदेश की है राज्यपाल है। अब देखिए, इनसे संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल देख लीजिए। अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक। एक ये संविधान संशोधन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 सातवें संविधान संशोधन करके 1956 में यह उल्लेखित किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी, मूल संविधान में केवल यह लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 करके यह व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसे ध्यान रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। देखिए नेक्स्ट, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुल 90 विधायक आपके चुन करके आए हैं। इन 90 विधायकों में आपकी महिलाओं की संख्या 13 है, यानी कुल 13 महिलाएं इन विधायकों में प्रतिनिधित्व कर रही है। तो याद रखिएगा, जो 90 विधायक है उन 90 में से कुल 13 महिला विधायक है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की कितनी है, भाजपा की कितनी है। देखिए, जो आपके एग्जाम है, एग्जाम में आप केवल ऐसे चीज़ों को याद रखिए, जैसे आपको आर्टिकल याद करने हैं, आप ये मत देखिएगा कि भाजपा को कितना सीट मिला, कांग्रेस को कितना मिला, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को कितना मिला। कोई भी एग्जाम किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे ऐसे फैक्ट वाली चीज़ें पूछेगा। तो फालतू में आंकड़े मत पढ़ते रहिए कि बीजेपी को कितनी सीट मिली या बीजेपी में कितनी महिला विधायक बनी, ऐसे सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो देखिए ओवरऑल 90 विधायक आपके है, हमारे यहाँ कुल 90 सीट है आपके विधानसभा में, तो टोटल 90 विधायक चुन करके आए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, जिसमें से 13 महिला विधायक हैं। देखिए ये जो 90 सीट है, इस 90 सीट में से 12 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कुल 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं, यानी भूपेश बघेल प्लस 11 मुख्यमंत्री प्लस 11 टोटल 12। ठीक, नेक्स्ट प्रोटेम स्पीकर जो होंगे, अभी 4 जनवरी को आनंदीबेन पटेल इन्हें शपथ दिलाएगी, तो 4 जनवरी को ही अभी छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे ये आपको 4 जनवरी को मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी इसकी घोषणा कर दी गई है कि जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो होंगे आपके राम पुकार सिंह, जिनका चुनाव क्षेत्र है आपका पत्थलगांव। याद रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर है, जब आपकी कोई नई सरकार बन करके आती है, तो सरकार जब बन करके आती है तो उन्हें विधानसभा में जितने भी सब मंत्री या विधायक चुन के आते हैं तो उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है वो रहता है आपके प्रोटेम स्पीकर। तो जो प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना जाता है, जो 90 विधायक जो चुन के आए हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठ यानी सबसे वृद्ध, जो बहुत ज्यादा आयु का है 90 विधायकों में से, उसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो ये जो आपके राम पुकार सिंह है, ये सबसे वरिष्ठ आपके विधायक है, इसलिए इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की घोषणा की गई है। 4 जनवरी को आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे ये पता चल जाएगा। वैसे एक न्यूज चल रहा है कि हो सकता है कि जो आपके चरणदास महंत जी है उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और ये जो आपके राम पुकार सिंह है इन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ये अभी बातें चल रही है, इसे जो पुष्टि है आपको 4 जनवरी को ही होगी, इसे अभी थोड़ा साइड करके चलिएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ों को इसमें बताया नहीं है। 4 जनवरी का इंतजार कीजिए, आपको विधानसभा के अध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष कौन है मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो थे आपके फैक्चुअल चीज़। अब देखिए इससे क्या प्रश्न बनता है, विधानसभा का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 170 में प्रत्येक राज्य के जो निचले सदन है उसे विधानसभा कहा जाता है। उसमें एक चीज़ और उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 तथा मिनिमम होना चाहिए कम से कम 60। किसी भी राज्य में यदि विधानसभा बना है तो उस विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सीट हो सकते हैं और कम से कम 60 सीट होना आवश्यक ही है, लेकिन कुछ अपवाद भी है इसमें। जैसे अभी जो हाल ही में आपकी विधानसभा चुनाव हुए, जैसे आप मिजोरम देखेंगे तो मिजोरम में 40 सीट है, गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में 35 से 32 सीट है, उसका एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी है ये सभी के सभी आपके अपवाद है। ठीक, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है यदि उसके आधार पर देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए जो मैक्सिमम विधानसभा सीट हो सकती है वो है 500 और जो मिनिमम या कम से कम होना चाहिए 60। ठीक, उसके अलावा देखिए यदि आप सोचेंगे कि ये जो आपकी विधानसभा सीट है ये आपके जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, उसके अलावा देखिए ये जो आपका 84वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया, 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, देखिए वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो 84वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ, इसमें यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2026 तक केंद्र में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कितनी विधानसभा सीट है, 90। तो ये जो 90 सीट है तो किसी भी नए विधानसभा क्षेत्र का निर्माण नहीं किया जाएगा। कब तक, वर्ष 2026 में फिर से निर्णय लिया जाएगा, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें बढ़ जाए, लेकिन 2026 तक किसी भी प्रकार का किसी भी राज्यों में आपके विधानसभा सीटों का निर्माण नहीं किया जाएगा या विधानसभा के सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था की गई आपके 84वें संविधान संशोधन सन 2002 से। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट है, 90। छत्तीसगढ़ के ही समान एक और राज्य है आपका जहां पर आपके सेम विधानसभा सीट है, हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा में भी आपके 90 विधानसभा सीट है, तो इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि छत्तीसगढ़ के समतुल्य विधानसभा सीट किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हरियाणा चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है ये। ठीक, नेक्स्ट
91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें केंद्र और राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की गई है। 91वां संविधान संशोधन सन 2003 जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जो केंद्र और राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य संख्या का 15% निर्धारित है। इसका मतलब देखिए, कुल सीट कितने हैं 90, कैबिनेट में आए कितने 12, तो ये व्यवस्था है। जैसे यदि आप देखेंगे, देखिए इधर मैंने सब विभागों का नाम लिखा हुआ है, तो जैसे आप देखेंगे कि एक एक मंत्री को तीन तीन विभाग, चार चार विभाग अलॉट हुआ है। तो हो सकता है कि जब 90 विधायक जब चुन के आया, तो हम जो आपके भूपेश बघेल जी है, हो सकता है कि जो 90 है उसमें से 30 या 40 विधायकों को एक एक विभाग दे सकते थे। लेकिन ये इसमें क्या व्यवस्था की गई, 91वां संविधान संशोधन 2003 करके यह व्यवस्था की गई कि कोई भी मंत्री किसी भी विभाग का उपयोग लाभ के तौर पर ना करे, या कोई भी आपका जो नई सरकार बन करके आई है किसी भी विभाग को एक लाभ के तौर पर यूज ना कर सके, करके 91वां संविधान संशोधन सन 2003 किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि केंद्र और राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो कुल संख्या सदस्य संख्या का 15% होगी। यानी देखिए 90 सीट है, इस 90 सीट का यदि आप 15% निकालेंगे तो 15% होता है आपका 13.5 सीट। 13.5 सीट 0.5 को निगलेक्ट कर दीजिए, एग्जैक्ट 13 सीट। यदि आप पिछली सरकार को देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी की, उसमें देखेंगे तो आप जो कैबिनेट जो मंत्री थे टोटल 13 थे, डॉक्टर रमन सिंह के साथ टोटल 13 मंत्री थे जो कि आपके कैबिनेट में शामिल थे। अभी कितने हैं 12, इसमें अभी भी एक मंत्री को जोड़ा जा सकता है लेकिन नहीं जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम कुल संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 15% ही कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 91वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें यह व्यवस्था की गई कि केंद्र और राज्य में कुल सदस्य संख्या, मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या जो है वो 15% निर्धारित की गई है, कुल संख्या का 15%, ठीक। तो इतना जो है ये आपके विधानसभा जो चुनाव हुए उससे संबंधित करंट और उससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये दोनों को याद रखिएगा, स्पेशली आर्टिकल याद रखिएगा, और ये दो संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये नीचे के पोर्शन आपके दूसरे हैं, इसको हम थोड़ा बाद में कवर करते हैं। ये विधानसभा चुनाव से संबंधित जो विभागों का बंटवारा हुआ उसको भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये आपके जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल देखिए जो 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं उनको कौन कौन से विभागों का बंटवारा हुआ उसका यह चार्ट है। चार्ट तो वैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों को मिल चुका होगा, लेकिन इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। कुछ ऐसे विभाग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम ऐसे विभागों को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए जैसे भूपेश बघेल जी जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको कौन कौन सा विभाग मिला है? उनको मिला है सामान्य प्रशासन, उसके अलावा वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, खनिज विभाग, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और भी विभाग मिला है, जैसे कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी उनको मिला है, जनसंपर्क विभाग मिला है, और ऐसे कोई भी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को अलॉट नहीं हुआ है उसके भी प्रमुख होंगे कौन? आपके भूपेश बघेल जी। लेकिन हम आप ये तीन या चार विभाग को याद रखिएगा, सामान्य प्रशासन, उसके अलावा वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग और खनिज विभाग, ये तीनों चारों विभाग इंपॉर्टेंट है जो मिला है आपके भूपेश बघेल जी को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी। प्रदेश के खनिज मंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी। तीनों में आपको भूपेश बघेल जी लगाना है, ठीक। नेक्स्ट टी एस सिंहदेव जिन्हें मिला है, देखिए जो जो विभागों को मैंने रेड कलर से लिखा है ना उसे आप पहले याद कीजिएगा, ठीक है, पहले याद कीजिएगा उन चीज़ों को। टी एस सिंहदेव जिन्हें मिला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिला है। तो याद रखिएगा, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो है वो है आपके टीएस सिंहदेव जी। उसके अलावा उनको जो अन्य विभाग मिला है, जैसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उसके अलावा उनको मिला है एक वाणिज्यिक विभाग। वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत स्पेशल है आपका जीएसटी, जीएसटी वाला जो डिपार्टमेंट है वो मिला है आपके टीएस सिंहदेव को। उसके अलावा ताम्रध्वज साहू जिन्हें मिला है आपका लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण मीन्स पीडब्ल्यूडी। उसके अलावा ये प्रदेश के हैं आपके गृह मंत्री, गृह विभाग भी इनको मिला है। इसके अलावा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग यानी पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण। इसके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, वो है आपके ताम्रध्वज साहू। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है, ताम्रध्वज साहू। नेक्स्ट रविंद्र चौबे जो कि उनको जो डिपार्टमेंट मिला है, देखिए उनको डिपार्टमेंट कौन कौन सा मिला, सारे डिपार्टमेंट इनके इंपॉर्टेंट है। विधि मीन्स आपके न्यायिक और कानून संबंधित मंत्री जो है, ये है प्रदेश के विधि मंत्री कौन है, रविंद्र चौबे। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, रविंद्र चौबे। कृषि से संबंधित है आपका पशुपालन, कृषि से ही संबंधित है आपका मछली पालन, और लगभग मिलता जुलता कृषि से संबंधित है आपका जल संसाधन। आपको इनके विभागों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रदेश के विधि मंत्री कौन है, ये है आपके रविंद्र चौबे जी। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जल संसाधन विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट मोहम्मद अकबर ये है प्रदेश के परिवहन मंत्री। इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। इसके साथ साथ इन्हें जो अन्य डिपार्टमेंट मिला है, वन विभाग भी इनके अंडर में आ रहा है। वन और पर्यावरण विभाग दोनों याद रखिएगा। प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो मोहम्मद अकबर। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर। दो चीज़ है, देखिए पर्यावरण मोहम्मद अकबर, पर्यटन ताम्रध्वज साहू। नेक्स्ट उमेश पटेल जिन्हें मिला है उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग। उमेश पटेल उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग। इसके अलावा खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास। देखिए उमेश पटेल, इनका नाम थोड़ा ऐसे याद रखिएगा, जो उमेश पटेल है ये जो मंत्रिमंडल बना है, जो आपका कैबिनेट बना है, उस कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री है। जो कैबिनेट बना है उस कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री है आपके उमेश पटेल। युवा है इसलिए इनको मिला है आपका युवा कल्याण विभाग इन्हें मिला है। युवा है इसलिए इन्हें मिला है आपका खेल विभाग। देखिए याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, उमेश पटेल इस कैबिनेट में सबसे यंग है, सबसे युवा मंत्री बने हैं, तो इसलिए इन्हें मिला है युवा कल्याण विभाग। युवा है इसलिए मिला है इनको खेल विभाग। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है आपका साइंस एंड टेक मीन्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा। उसके अलावा कौशल विकास, ठीक। नेक्स्ट जय सिंह अग्रवाल को मिला है आपका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। इनका नाम याद रखिएगा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग किन्हें मिला है, जय सिंह अग्रवाल को। अनिला भेड़िया, देखिए ये जो है अनिला भेड़िया, इनको मिला है, ये इस कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री है, महिला है इसलिए इनको मिला है महिला एवं बाल विकास विभाग, साथ ही साथ आपका समाज कल्याण। तो प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अनिला भेड़िया। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण डिपार्टमेंट इनको मिला है। शिव डहरिया जिन्हें मिला है आपका नगरीय प्रशासन। देखिए पंचायत किन्हें मिला है, टीएस सिंहदेव को। नगर किन्हें मिला है, शिव डहरिया को, याद रखिएगा। पंचायत टीएस सिंहदेव, नगर शिव डहरिया। इसके अलावा यह प्रदेश के श्रम मंत्री भी है, याद रखिएगा। सॉरी, प्रदेश के श्रम मंत्री कौन है, शिव डहरिया। गुरु रुद्र कुमार इन्हें मिला है आपका लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट है। देखिए नेक्स्ट है आपके प्रेम साय सिंह जिन्हें मिला है आपका स्कूली शिक्षा। देखिए उमेश पटेल को क्या मिला है, उमेश पटेल जी को मिला है आपका उच्च शिक्षा एवं तकनीकी।
प्रेम सहाय सिंह को क्या मिला है? स्कूली शिक्षा। उमेश पटेल उच्च शिक्षा, प्रेम सहाय सिंह स्कूली शिक्षा, दोनों अलग अलग है। ठीक, इसके अलावा जो इन्हें डिपार्टमेंट मिला है वो है आपका एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। एससी मीन्स अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किन्हें मिला है? प्रेम सहाय सिंह को, ये याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी है ये प्रदेश के, तो सहकारिता विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट, कवासी लखमा। कवासी लखमा जो कि इनको मिला है आपका उद्योग, उद्योग डिपार्टमेंट। इसके अलावा वाणिज्यिक कर जो कि संबंधित है आपके आबकारी से, आबकारी मीन्स जो शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे संबंधित है। देखिए वाणिज्यिक कर दो है, एक वाणिज्यिक कर जो कि कवासी लखमा को मिला है किससे संबंधित है? आबकारी से। एक है आपके टी एस सिंहदेव जिनके अंडर भी है एक वाणिज्यिक कर जो कि संबंधित है आपके जी एस टी से, दोनों अलग अलग है। ठीक, तो ये है आपके प्रदेश के उद्योग मंत्री, कौन है? कवासी लखमा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद कर लीजिएगा कि इनका जो क्षेत्र है, जो चुनाव क्षेत्र है, जिन जिन विधानसभा क्षेत्र से ये चुन करके आए हैं उनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक, देखिए ये जो आपके 12 मंत्री का जो कैबिनेट बना है उसके सबसे युवा है आपके उमेश पटेल, जबकि सबसे वरिष्ठ है आपके ताम्रध्वज साहू। 12 मंत्रियों के कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ है ताम्रध्वज साहू और सबसे युवा है आपके उमेश पटेल जी। ठीक, अब देखिए ये इतने में आपका विधानसभा चुनाव खत्म। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए कुछ चर्चित स्थान जो अभी करंट में, तो कुछ ऐसे स्थान जो चर्चा में रहे उसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हाल ही में मिले गणेश की प्रतिमा, लगभग 700 साल पुरानी एक गणेश की प्रतिमा मिली है आपके छेरकी महल के समीप, छेरकी महल के समीप भोरमदेव कवर्धा, भोरमदेव कवर्धा में छेरकी महल के समीप एक गणेश की प्रतिमा मिली है जो कि आपका 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास की मानी जा रही है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास की लगभग 700 साल पुरानी एक गणेश की प्रतिमा मिली, कहाँ से मिली? छेरकी महल भोरमदेव कवर्धा से, जो कि फणी नागवंशीय कालीन, छत्तीसगढ़ में जो शासक रहे आपके फणी नागवंश, तो फणी नागवंशीय कालीन यह गणेश की प्रतिमा इसका अनुमान है, लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास की है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह प्रदेश में जो आपके फणी नागवंशीय शासक थे उनके समकालीन यह मूर्ति है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें याद रखिएगा छेरकी महल से मिला है गणेश की प्रतिमा, करंट का काफ़ी हाईलाइट में था ये टॉपिक, इसे थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे होता ही है कि जब कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसे प्रतिमा निकलती है तो सामने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। देखिए पांचवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, अभी प्रदेश में अभी हाल ही में पांचवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला, कहाँ खुला? जांजगीर चांपा में। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। देखिए प्रदेश में केवल एक ही पासपोर्ट ऑफिस है जो कि है आपके रायपुर में, तो क्या है एक रायपुर में ही जो छत्तीसगढ़ के 27 जिले का कार्य केवल एक रायपुर में ही देखा जाता था और बाकी अन्य जिलों के लोग केवल आवेदन देने के लिए ही आपके पासपोर्ट ऑफिस जो रायपुर में है वहां आते थे। तो क्या है ये लोगों के समय की बचत करने के उद्देश्य से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आपका जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस में ही आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जा रहा है, यानी लोग इन पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से भी अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो प्रदेश में अब तक कुल 5 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। देखिए सबसे पहला खुला था आपका सरगुजा में, सरगुजा, उसके अलावा है आपका राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग, फिर बिलासपुर और अभी खुला है आपके जांजगीर चांपा में। पांचों जगहों के नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है निम्न में से किस स्थान पर आपका पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र उपस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित है? सरगुजा, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। ठीक, रायपुर इसमें शामिल नहीं है, रायपुर में तो मेन पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस है, लेकिन ये क्या है? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक, नेक्स्ट, टाटा संयंत्र अधिकृत भूमि, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, जो कि है आपके लोहांडीगुड़ा बस्तर में, लोहांडीगुड़ा बस्तर में आपके टाटा कंपनी को आपको एक भूमि अलॉट हुई थी, संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अलॉट हुई थी। अभी नई सरकार बनने के बाद जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उन्होंने यह फैसला लिया है कि किसानों की जो भूमि जो टाटा कंपनी को अलॉट की गई थी वह पुनः किसानों को वापस कर दिया जाए। बस एक याद रखिएगा कि टाटा संयंत्र की जो अधिकृत भूमि किस स्थान पर थी, लोहांडीगुड़ा बस्तर में। देखिए
अब कुछ नियुक्तियों को देखिए। अभी हाल ही में कुछ मुख्य पदों की नियुक्ति हुई। एक है आपके महाधिवक्ता, प्रदेश के महाधिवक्ता बने हैं आपके कनक तिवारी। प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? कनक तिवारी। महाधिवक्ता मीन्स एडवोकेट जनरल। तो याद रखिएगा, प्रदेश के नए महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन है? कनक तिवारी। ठीक, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम याद रखिएगा। सबसे मेन जो इनका पुस्तक है, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, देखिए, बस्तर, लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट, लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट, बस्तर, बुक का टाइटल है बस्तर, लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट। बाकी इनकी अन्य पुस्तकें हैं, जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी के नाम पे दो पुस्तकें हैं इनकी, कौन कौन सी? गांधी और पंचायती राज्य, गांधी का देश, संविधान के ऊपर इनकी दो पुस्तक है, संविधान का सच, संविधान की पड़ताल, एक है आपका हिंद स्वराज। याद रख सकते हो तो पूरे बुक के नाम याद रखिए, या तो जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिए। स्पेशली कौन सा याद रखना है आपको? बस्तर, बस्तर लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट, उसके अलावा गांधी और पंचायती राज्य, गांधी का देश, संविधान का सच, संविधान की पड़ताल, हिंद स्वराज। नेक्स्ट, पुलिस महानिदेशक DGP, प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं आपके डी एम अवस्थी, जिन्हें प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या DGP नियुक्त किया गया है। ये प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। तथा याद रखिएगा, ये जो पुलिस महानिदेशक का जो पद है, यह गृह सचिव के अधीन पद है। यह प्रश्न पूछा जा चुका एग्जाम में, उसमें पूछा गया था कि पुलिस महानिदेशक का पद किसके अधीन होता है, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये आपके गृह सचिव के अधीन यह पद होता है। ठीक, कौन है अभी वर्तमान में? DM अवस्थी। देखिए, निधन, अभी हाल ही में आपके जो साहित्यकार हैं, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, जिनका अभी इसी दिसंबर माह में इनका निधन हुआ है। ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे कूट आधारित प्रश्नों में यह पूछ सकता है, जिसमें आपको पूछेगा कि इनको पद्मश्री इस डेट को दिया गया, ये छत्तीसगढ़ राज्यभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, या फिर उनकी 2-3 रचनाएं दे देगा, तो ये क्या है, कूट आधारित भी प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी है, ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ राज्यभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इन्हें इसी वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2018। इस वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ से 2 व्यक्तियों को आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। एक थे आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी और दूसरे थे आपके दामोदर गणेश बापट। श्यामलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें यह पद्मश्री पुरस्कार मिला था आपके साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2018 से नवाजा गया था, और साथ इन्हीं के साथ में आपके दामोदर गणेश बापट को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इन्हें इसी साल आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, इनकी रचनाएं देखिए, ये जो आपको पद्मश्री वाला है, ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इस साल इन्हें पद्मश्री मिला, इस साल इनका निधन भी हुआ। तो याद रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ में 2018 कितने व्यक्तियों को मिला? 2 व्यक्तियों को मिला, एक पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, जो कि साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित थे, दूसरे दामोदर गणेश बापट, जिन्हें मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक, देखिए नेक्स्ट, आपकी रचनाएं, इन्हीं कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, बेटी के विदा, भोलवा भोला राम बनीस, पर्रा भरलाई, सुतवंती सुकुवार और राम बनवास। कौन कौन सा? बेटी के विदा, भोलवा भोला राम बनीस, पर्रा भरलाई, सुतवंती सुकुवार और राम बनवास। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट को याद रखिएगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा गया, लेकिन ये सारी चीज़ें बताने जरूरी थे। केवल यही चीज़ बताता तो कोई मतलब का नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, कोई भी आपके करंट के टॉपिक चलते हैं, तो उसको थोड़ा जनरल स्टडी से कंपेयर करते हुए पढ़िएगा। क्या है, आपसे कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ये सारे चीज़ें तो आप ऑलरेडी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। करंट का मतलब ये नहीं कि आपसे केवल करंट का ही टॉपिक उठा के पूछेगा। करंट का मतलब ये कि जैसे मुख्यमंत्री का पद है, तो मुख्यमंत्री का पद को वो जनरल स्टडी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।